मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं इंग्लिश क्लास। आज हम बनेंगे फिक्स पे पोजीशन। बहुत स्टूडेंट ने बहुत बार रिक्वेस्ट भी किए थे, सर फिक्स पे पोजीशन क्या है, एक बार समझा दिए। एक बार क्या, चार पांच बार समझेंगे, क्योंकि फिक्स पे पोजीशन बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत वीडियो से रहेगा, 500 वीडियो से हमारा फिक्स पे पोजीशन रहेगा ही रहेगा। तो आपको वही करना है जैसे मैं हर क्लास में बोलता हूँ, जो भी पढ़ा जा रहा है उससे आप पढ़िए, नहीं पढ़ने से हम जान नहीं पाएंगे एग्जैक्टली हम समझे हैं या नहीं समझे हैं, इसे क्या जरूरत है। बिल्कुल। और एक क्वेश्चन पूछा था स्टूडेंट ने, सर लर्न करेंगे, ये वर्ड तो दिमाग से निकाल दीजिए, लर्न बिल्कुल करना नहीं है। हाँ, हमको ये करना है, समझना है, समझने के बाद पढ़ना है, जितना पढ़ेंगे इतना दिमाग में प्रिंट होता रहेगा। लर्न का मतलब है रट्टा करना, रट्टा लगाना, रट्टा करना हमारा काम नहीं है, कितना रटेंगे। बहुत बड़ा टॉपिक है, फास्ट टॉपिक है, 4-5 स्टैंडर्ड के स्टूडेंट लर्न करेंगे, इट्स ओके, लेकिन हम क्या करेंगे, समझेंगे। समझने के लिए पढ़ना जरूरत है, लेकिन पढ़ने के लिए रटने की जरूरत नहीं है, जो अगर समझ के पढ़ेंगे तो ये हमारे दिमाग में प्रिंट हो जाएगा। क्लियर। लर्न नहीं करना है, पहले समझना है, उसके बाद रीड आउट, 4 बार 5 बार 10 बार पढ़ने के बाद उसको एक बार लिखेंगे, 1-2 बार लिख लेंगे, दिमाग में प्रिंट हो जाएगा। ओके देन, ठीक है। तो आज हमारा स्टार्ट होता है फिक्स प्रीपोजिशन। हाँ, फिक्स प्रीपोजिशन का मतलब क्या है, फिक्स प्रीपोजिशन के नाम से पता चल रहा है कि प्रीपोजिशन फिक्स होगा, नो डाउट। हाँ, लेकिन दिमाग में ये नहीं रखना कि प्रीपोजिशन एक ही होगा, ये 4-5 प्रीपोजिशन एक वर्ड के लिए आ सकता है, लेकिन फिक्स्ड होगा उनके लिए। देखेंगे जब हम आगे जाएंगे समझ में आएगा। सीवियर दिमाग में रखना कि जैसे ये मार्कर है, ये चीज तो एक है लेकिन काम ये 10-15 करेगा। तो जैसे मैं एक हूँ, मैं इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ, फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ, लेकिन पर्सन तो एक हूँ, तो ये काम एक होगा, वर्ड एक रहेगा, लेकिन प्रीपोजिशन बहुत सारा हो सकता है, लेकिन वो प्रीपोजिशन फिक्स्ड है, इसीलिए हम उसको फिक्स प्रीपोजिशन बोल सकते हैं। और एक एक प्रीपोजिशन क्या अकेला आ सकता है, अकेले के लिए, एक वर्ड ज्यादा के लिए भी काम कर सकता है, एक एक के लिए भी काम कर सकता है। तो हम आज जो पढ़ेंगे मल्टीपल पढ़ेंगे, माने एक वर्ड के साथ ज्यादा प्रीपोजिशन जैसे रहेगा उसको हम बोलेंगे फिक्स प्रीपोजिशन या वर्ड फ्लो प्रीपोजिशन। हाँ, एनीवे लिख लीजिए। हाँ, दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं, आयदर हम उसे फिक्स्ड या वर्ड फ्लो प्रीपोजिशन, ध्यान देना। हाँ, फिक्स्ड प्रीपोजिशन और वर्ड फ्लो प्रीपोजिशन। हाँ, बस तो हमारा ये टॉपिक आज है, तो इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो हम पहले एक वर्ड लेते हैं, हाँ ऐसे बहुत सारा रहेगा। आज हम स्टार्ट करते हैं किससे, एंग्री से, गुस्सा होना। हाँ, हर बार ध्यान देना, जब हम फिक्स प्रीपोजिशन को जाएंगे, ये जो वर्ड आएगा ये नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, और आप जानते हैं अगर वो प्रीपोजिशन है तो उसके बाद डेफिनेटली नाउन, नाउन प्लस इक्विवेलेंट वर्ड्स रहेगा ही रहेगा। लेकिन फिक्स प्रीपोजिशन के लिए पहले जो आएगा ये क्या होगा, नाउन आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है ना। क्लियर, यहाँ पे बात तो होगा ही होगा, क्यों, बात रिलेशन बनाएगा। क्लियर, तो बात की बात नहीं बोल रहा, पहले का बात कर रहा हूँ, जे हमको ये पोजिशन रिलेशन बनाने में मदद करेगा। क्लियर, क्या करेगा, नाउन एडजेक्टिव एंड वर्ड, ध्यान देना। क्लियर, उसके बाद क्या आएगा, उसका बाद नाउन, नाउन फ्रेश या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड, जो हर प्रीपोजिशन, हर प्रीपोजिशन के बाद में बोलना। क्लियर, ध्यान देना। तो एंग्री एक वर्ड है, एंग्री क्या है, एक एडजेक्टिव है, जैसे मैं बोल रहा था। एंग्री कौन कौन से प्रीपोजिशन को फॉलो करेगा ये ध्यान देना है, कैसे हम जानेंगे, पढ़ना पड़ेगा, रटना नहीं, पढ़ना पड़ेगा, ध्यान देना। हाँ, तो ये मिटा देते हैं, नहीं पहले हम लिख देते हैं एंग्री, ANGRY, एंग्री हमारा दो प्रीपोजिशन के साथ दोस्ती करता है, ध्यान देना, एंग्री दो प्रीपोजिशन के साथ दोस्ती करता है, ऐसा बहुत सारा वर्ड है, रटने के लिए कोशिश नहीं करना, समझने के लिए कोशिश करना, एक बार समझ लेंगे बहुत बार समझ लेंगे, ये ध्यान देना। तो एंग्री गुस्सा होना, तो हम जो गुस्सा होते हैं, गुस्सा होना क्या है, क्वालिटी को बता रहा है, जो भी हो, जो भी हो, गुस्सा हम किस पे होते हैं, जिसपे ज्यादा अपनापन होता है, ये तो है ना, वो उसे जानता नहीं, क्यों गुस्सा होगा, उस वर्ड के मतलब ही क्या है। हाँ, तो एंग्री क्या है, गुस्सा होना, कौन सी पेपर को फॉलो करेगा, ये ध्यान देना है, एंग्री मैं किस पर हो रहा हूँ, अगर मैं कोई लिविंग के साथ हो रहा हूँ, माने कोई पर्सन के साथ हो रहा हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा विथ,
अगर मैं गुस्सा उसका कोई काम को लेके हो रहा हूँ तो ये हो जाएगा एट। ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ, पूरा दिमाग में कुल माइंड हाँ, क्योंकि एग्जाम में ये हमको बहुत कंफ्यूज कराता है हाँ। तो एंग्री विद होगा या एंग्री हाँ ये तो जानना है, एंग्री दो प्रिपरेशन को लेगा हाँ, एंग्री विद या एंग्री एट। तो हम लिख लेते हैं पहले एंग्री विद एंग्री एट, ये ए तो उसके साथ मिल गया है तो मैं जरा यहाँ पे ये लिख देता हूँ एंग्री एट। ओके तो यहाँ को समझाना मुश्किल होगा तो हमारा ये मैप जो लिखा है मानचित्र को जरा मिटाना पड़ेगा, कुछ डाउट नहीं है। तो एंग्री विद कहाँ पे होगा, एंग्री एट कहाँ पे होगा, एंग्री का मतलब गुस्सा होना, वो मुझ पर गुस्सा हुआ एंग्री हुई, वो मेरे एटीट्यूड पे गुस्सा हुआ एंग्री एट। तो अगर मेरे काम पर कोई गुस्सा होता है दैट इज एंग्री एट, अगर मेरे पर गुस्सा होता है दैट इज एंग्री हुई। अच्छे लिख लीजिए उसके बाद सेंटेंस बनाएंगे हाँ वेरी गुड। जल्दी जल्दी हाँ वेरी गुड। तो एंग्री एट एंग्री विद, तो सेंटेंस बनाना स्टार्ट करें। अच्छा ठीक है, जानेंगे कैसे बताया ना मैं, वही तो बताया गुस्सा होना, किस पर गुस्सा होना, अगर मुझे इस पर गुस्सा होना है गुस्सा होगा डेफिनेटली, अगर पानी पीना हो चाय पीना अगर नहीं मिलेगा तो गुस्सा हो जाऊंगा, तो इसके ऊपर गुस्सा हो तो क्या हो जाएगा हाँ ये नॉन लिविंग थिंग्स है तो इसके ऊपर हो जाएगा एंग्री एट। अगर मैं कोई पर्सन के साथ गुस्सा होता हूँ आप पर गुस्सा होता हूँ क्या हो जाएगा, आप अच्छा मार्क्स नहीं ले गुस्सा हो जाऊंगा, तो ये आपके परफॉर्मेंस के ऊपर हो गया तो ये हो जाएगा एट। ध्यान देना अगर गुस्सा होते हैं पर्सन है या लिविंग या नॉन लिविंग, ये भी हो सकता है एक्शन है या पर्सन है, इतना तो हम याद कर सकते हैं, लेकिन एंग्री से और भी बहुत सारा चीज पड़ेगी तो याद कैसे रहेगा हाँ। जानेंगे कैसे अलग है, जानेंगे कैसे विदर एट या अलग है, ये तो बता दिया मैं, आई एम मेड यू अंडरस्टैंड। अब जानेंगे या दिमाग में कैसे रहेगा, दिमाग में रहने के लिए हमको अल्टरनेट डेज या इन बिटवीन प्रैक्टिस करना है, अवलोक करना है ना। अच्छे स्वास्थ्य के लिए खाना जरूरत है कि नहीं, क्यों खाते हैं, बिल्कुल अच्छे स्वास्थ्य रहेगा तो खाते हैं, तो इसलिए ये दिमाग भी स्वस्थ करने के लिए पढ़ना पड़ेगा कि नहीं हाँ वही, ये भूल ना जाए इसके लिए हमको बीच बीच में पढ़ना है। ठीक है लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन, व्हाट फॉलो प्रीपोजिशन या व्हाट फॉलोड प्रीपोजिशन, पांच में जो रहा है ना। टाइम कितना हो गया, 7 मिनट्स हाँ। सेंटेंस बनाए ठीक है, आप एक सेंटेंस दिए हाँ वेरी गुड। जैसे हाँ मैं लिख लेते हैं अभी एंग्री एट एंग्री वी, वो तो है ही है और होगा ही नहीं कुछ, ये दिमाग में प्रिंट कर लेना दैट इज फिक्स्ड। ये एक वर्ड है एंग्री एडजेक्टिव है, ये दो प्रीपोजिशन को लेगा दूसरा लेगा ही नहीं खत्म ना। क्या होगा एंग्री क्या है, गुस्सा होना, तो हम क्या लिखेंगे सेंटेंस बनाएंगे ना हाँ, माय मदर वाज एंग्री, माय मदर वाज एंग्री डैश मी, ये क्वेश्चन हुआ हाँ। और एक क्वेश्चन हो गया माय मदर गॉट एंग्री, अच्छे से लिखता समझ में नहीं आ रहा ना। अच्छा माय मदर गॉट एंग्री डैश माय एटीट्यूड है ना। बोलते हैं बहुत सारे स्टूडेंट सर एटीट्यूड दिखाता है, बोलते हैं कि नहीं दैट इज हाँ बिल्कुल ये सब। तो यहाँ पे ध्यान दे रहा, और एक चैप्टर पास टू सेंटेंस से बनाएंगे दिमाग में प्रिंट करेंगे, कब प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे ना हाँ बिल्कुल, जितना पढ़ेंगे इतना सीख पाएंगे, हाउ मच यू प्रैक्टिस सो मच वी कैन लर्न, तो डिपेंड करता हम कितना पढ़ाई करते हैं है ना। एनीवे माय मदर वाज एंग्री डैश मी, मी क्या है पर्सन, ये माय क्या है
हाँ माए के बाद लिविंग नहीं होना चाहिए। अगर माए सिस्टर हो जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, कि माए मदर हो जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। माए एडजेक्टिव ना, उसके बाद कौन से नाउन दिया है भी ध्यान देना है। लिविंग होगा तो क्या हो जाएगा, विद हो जाएगा, लेकिन एटीट्यूड तो कोई लिविंग है नहीं। मेरा क्वालिटी हो जो भी, गलत हो या सही हो, या खराब हो या अच्छा हो, है ना। क्या बोलेंगे, माय मदर वाज एंग्री विद मी, अंडरस्टूड, क्लियर। माय मदर वाज एंग्री विद मी, माय मदर गॉट एंग्री डैश माय एटीट्यूड, बिल्कुल, माय मदर गॉट एंग्री एट माय एटीट्यूड। समझ में आया, ओके, अच्छा ठीक है, अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं ऐसे और दो दो क्वेश्चन दूंगा, फिर हम चले जाएंगे और एक के पास। हाँ ये सो दो के साथ फ्रेंडशिप किया, और भी बहुत सारे हैं, हम आज मल्टीपल पढ़ेंगे, जो एक से हाँ एक से ज्यादा दोस्त बनाते हैं और पूरा सिलेक्टिव दोस्त बनाते हैं। हाँ ऐसा नहीं कि मान मारे, सोच समझ के, है ना। टाइम देख के, हाँ टाइम के साथ जाना है, टाइम को जाने नहीं देंगे, टाइम को रहेंगे, टाइम हमारे साथ चल बोलेंगे, जस्ट बी विद अस। हाँ वही क्लियर दो, एटीट्यूड क्या है, एटीट्यूड हाँ नाउन है कि नहीं, TUD अगर कोई सुफिक्स हो गया तो ये नाउन होना ही होना है। एटीट्यूड, मैग्नीट्यूड, लैटिट्यूड, पढ़े कि नहीं ज्योग्राफी में, याद है ना। हाँ सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड क्या होता है, हाँ ये पोएम में पढ़ते हैं, मेरी पोएट्रिक वर्ड है ये, नहीं मिटा दें, और एक क्वेश्चन ऐसा रहता है, जितने प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा सीख सकेंगे, ऐसे बोल रहा हूँ मैं, है ना। एंग्री हैड, एंग्री विद, नहीं रहने दीजिए। हाँ जैसे सोच लीजिए, स्मिता मैम गॉट एंग्री, वन मिनट ना, स्मिता मैम गॉट एंग्री डैश गुड्डू, क्या होगा ये। हाँ स्मिता मैम गॉट एंग्री डैश गुड्डू, अरे हो गया, दोनों चीज देते हैं, मैम गॉट एंग्री डैश गुड्डूस, नहीं ठीक है, ये पहले कर लीजिए और एक क्वेश्चन बाद में देंगे, क्योंकि ये जरा कंजिस्टेड हो जा रहा है, दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है फेस करके, हाँ ठीक है ट्राई कीजिए। बट आई वुड लाइक एवरी वन ऑफ यू टू रिप्लाई टू द क्वेश्चंस गिवन, देखो एक, सस्मिता मैम गॉड एंग्री डैश गुड्डू, सस्मिता मैम गुड्डू पर एंग्री हुई, तो गुड्डू क्या है, लिविंग है ना, लिविंग कुछ नहीं है ना, है ना, क्या होगा। तो ये चाय क्या है, चाय पीने वाला क्या है, ये तो ध्यान देना है। चाय ठंडा हो गया, गुस्सा हो गया चाय पहला, चाय वाला पर गुस्सा हो जाना गलत हो जाएगा, हाँ ध्यान देना, हाँ चाय पी, चाय वाला ही हो गया ना, एनीवे तो सस्मिता मैम गॉड एंग्री डैश गुड्डू, वही वेरी गुड। ऐसे क्वेश्चन दिखते ही हमको आंसर आना है, तो हमारा कंसेप्ट क्लियर, क्लियर दो। तो ये एंग्री के साथ विद लगेगा ही लगेगा, लेकिन पर्सन अगर हो तो ये दिमाग में रह जाना, दैट इज क्या है, रीडिंग, दैट इज लेसन, दैट इज लर्निंग, लर्निंग नहीं है दैट इज लेसन। लर्नर तो फिर भूल जाएंगे, लर्न करने से भूल जाते हैं, लर्न करके कभी दिमाग में नहीं रहता है, हाँ दो दिन के बाद गायब, क्यों हम उसे फोर्सफुली लाते हैं, कोई भी चीज फोर्सफुली लाएंगे ज्यादा दिन नहीं रहेगा, वो जाएगा ही जाएगा, और जो हमें लॉक में नहीं है वो तो जाके ही रहेगा, कोई भी उसे रुक नहीं सकती। लेकिन पढ़ाई और लोग अलग है, ये तो हमारा किस्मत है ना, क्लियर दो, बस यही है। और बींग ए स्टूडेंट हम किस्मत के ऊपर नहीं जाएंगे, मेहनत, पूरा मेहनत, अच्छे से मेहनत करेंगे, बप्पा है ना, हमारे कुछ हो जाते हैं, ध्यान देना, पूरा लाइन अप करना, क्वेश्चन दिखते ही जाएगा ही नहीं, जाने देंगे तो जाएगा ना, यही है ना। तो जैसे यहाँ पे आ गए, अरे ये तो चलेगा नहीं है,
माय टीचर वाज, यहाँ पे वाज तो वो हो गया और इंग्लिश बिकेम इंग्लिश, यहाँ माय टीचर बिकेम एंग्री डैश माय रूड बिहेवियर। हाँ, माय टीचर बिकेम एंग्री डैश माय रूड बिहेवियर, ध्यान देना। टाइम हो गया हमारा 15, तो और एक दो प्रिपरेशन को जाएंगे। ये समझ में आ रहा है एग्री का विद द रेड कहां पे ऐड हो रहा है, कहां पे विद द रेड, क्लियर मेरे को? तो माय टीचर बिकेम एंग्री, हाँ डैश माय रूड बिहेवियर, हाँ ठीक है। माय का लगा के माय अगर है तो ये विद भी हो सकता है, ऐड भी हो सकता है, लेकिन माय के साथ क्या है ये ध्यान देना है। माय के साथ अगर नॉन लिविंग थिंग्स है तो ये ऐड होगा, माय के साथ लिविंग होगा तो ये विद होगा, ये भी क्वेश्चन होगा, पूरा क्लियर आ जाएंगे ना। तो माय टीचर बिकेम एंग्री एट माय रूड बिहेवियर, क्लियर हो गया? रूड हो गया क्या, एडजेक्टिव, बिहेवियर नाउन है, दिमाग में ये रखना है, लेकिन ये एंग्री क्या है, एडजेक्टिव। हाँ, इसके पहले प्रीपोजिशन का पहले भार भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है और बिल्कुल नाउन भी आ सकता है, लेकिन प्रीपोजिशन के साथ क्या आएगा, हाँ ये एडजेक्टिव और नाउन मिलकर क्या कर सकते हैं, बिल्कुल ये फ्रेश बन सकता है, फिर भी आगे फिर पढ़ेंगे, क्लियर? तो देखिए पता रहा ना फ्रेश, ओके। हाँ, अकेला होता तो नहीं होता, हाँ डाउट नहीं। और एक क्वेश्चन दे देते हैं, ये लाइन हो जाएंगे ना। हाँ, माया को लगा के सेंटर देते हैं, ये मिटा दो, तो एंग्री एट एंग्री विद आर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, प्रिंट हो गया। और एक क्वेश्चन इसके ऊपर दे देते हैं और उसको खत्म करेंगे, जैसे हो गया स्वीटी वॉच एंग्री डैश गुल्लू, हाँ स्वीटी वॉच डैश एंग्री डैश गुल्लू, हाँ यहाँ पे नहीं, यहाँ पे माय लगा के करते हैं, यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है ना स्टूडेंट का ना, तो यहाँ पे दे देते हैं स्वीटी वॉच डैश एंग्री डैश माय नेफ्यू, हाँ ये एक है, और एक हुआ ये वहाँ सेकेंड हो गया स्वीटी वॉच एंग्री, हाँ ठीक है गॉट एंग्री, स्वीटी गॉट एंग्री डैश माय नेफ्यूज, हाँ नेफ्यूज, हाँ एटीट्यूड ने हो गया, सो इट इज गॉट एंग्री एट माय नेफ्यूज नॉटीनेस, हाँ नॉटी एडजेक्टिव है लेकिन यहाँ पे एनी एसेस लग गया तो नाउन, नटीनेस नाउन, नटी एडजेक्टिव, नटीएस सुपरलेटिव एडजेक्टिव पढ़ेंगे, हाँ तो स्वीटी गॉट एंग्री डैश माय नेफ्यूज नटीनेस, ये क्या हो जाएगा दोनों चीज, हाँ डेफिनेटली। तो स्वीटी वॉज एंग्री डैश माय नेफ्यू, यहाँ पे माय नेफ्यू क्या है ये पर्सन है ना, हाँ क्या लगाएंगे विद, लेकिन माय लगाया ना कंफ्यूज नहीं होना, माय के बाद हर बार नॉन लिविंग ही आएगा, माय पर्सन माय फादर थोड़े नॉन लिविंग है, हम माय बुक नॉन लिविंग है, माय हाउस नॉन लिविंग है, माय फैमिली ये नॉन लिविंग थोड़े ना है, माय होम नॉन लिविंग नहीं है, माय हाउस नॉन लिविंग है, माय हाउस कैसे नॉन लिविंग होगा, तुम्हारी फैमिली मेंबर है, हाउस माने फैमिली मेंबर हो गए, सॉरी होम माने फैमिली मेंबर और हाउस माने मकान, अलग है ना, हाँ फैमिली लिविंग और जो हाउस नॉन लिविंग, क्यों बोल रहे समझ में आ रहा है, पॉइंट ऑफ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ ये डिस्कस करेंगे जब हम जाएंगे कम्युनिकेटिव को, हाँ तो स्वीटी गॉट एंग्री डैश माय नेफ्यूज नटीनेस, हाँ यहाँ नेफ्यू भी है लेकिन बदमाशी, उसका बदमाशी पर गुस्सा हुई, हाँ क्या लिखेंगे स्वीटी गॉट एंग्री डैश माय नटीनेस डैश माय नेफ्यूज नटीनेस, क्लियर समझ में आया, ठीक है क्वेश्चन लिख लीजिए। अब हम और एक प्रीपोजिशन को जाएंगे, हाँ टाइम भी हो गया हमारा 19 मिनट्स, हाँ ध्यान देंगे। हाँ बिल्कुल, तो एक ही चीज ध्यान देना है हमको, पूरा क्लियर रखना है, समझना है,
रटना या आना नहीं है। वी आर नॉट टू लर्न, हाँ वी आर टू रीड आउट, वी आर टू रीड आउट, वी आर टू एनालाइज ऑनली बाय रीडिंग। पढ़ पढ़ के लिख के उसको दिमाग में फीड करना है, फोर्सफुली नहीं, पूरा कूल माइंड में। जैसे मैं बोलता हूँ भोर से उठिए, 4 बजे उठिए, 5 बजे नहाना खाना खत्म करके 5 बजे से पढ़ाई कीजिए। हाँ बिल्कुल कूल माइंड, 4 बजे से पढ़ने से बेटर है मेरे हिसाब से। हाँ पढ़ने के लिए तो कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन वो कूल होता है ना। हाँ भगवान जी लोग आए होते हैं धरती पर जो विश्वास है। हाँ भाई मिरा दें, अब हम चले जाएंगे और एक, ये हो गया हमारा ब्लाइंड। हाँ बहुत सारा है, ब्लाइंड मतलब क्या है बच्चों? हाँ ब्राउन का मतलब हो गया अंधा। हाँ फिर यह ध्यान देना, ब्लाइंड अंधा तो है, बहुत सारे केसेस में यूज करते हैं ब्लाइंड को, ध्यान देना। तो ब्लाइंड मतलब अंधा है, लेकिन जब हम कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू को चले जाएंगे, कॉम्पिटेटिव को चले जाएंगे, उसका अलग अलग सेंस निकलता है, इसको ध्यान देना है। हाँ ठीक है, तो हम चले जाते हैं ब्लाइंड। ब्लाइंड तो अंधा है और कोई अंधा है। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, ब्लाइंड में क्या क्या प्रिपोजिशन आ सकता है? ये क्या है? हाँ ये भी तो एडजेक्टिव ही है। हाँ ही ब्लाइंड है कि नहीं, कि नाउन है। हाँ वही क्या लिखेंगे, बी देव तो का दिखा रहा है। हाँ याद है, जैसे टाइम के साथ 21 हो गया ब्लाइंड। ये किसको उसको फ्रेंडशिप करेगा, किसके घर में रहेगा? हाँ ये 2-3 तो फ्रेंडशिप करता है, मोर देन वन, मैं ये बोला मल्टीपल है ये। हाँ तो हम चले जाते हैं यहाँ वहाँ में ना, वो तो ब्रिज बनाएंगे, घर बनाएंगे, अच्छे घर बनाएंगे तो रहेगा ना, नहीं तो अच्छा रहेगा क्या उसे। हाँ भाई जैसे ब्लाइंड, ये हो गया हमारा ब्लाइंड टू, ये हो गया ब्लाइंड इन, एक हो गया ब्लाइंड ऑफ। हाँ है ये नहीं, ये ध्यान देना है बिल्कुल। हाँ ब्लाइंड इन, ब्लाइंड ऑफ, ब्लाइंड टू। हाँ क्या क्या यूज करेंगे बोलिए, कहाँ पे टू? हाँ एक तो चीज दिमाग में रखना है, ब्लाइंड मतलब अंधा। हाँ हाँ तो अगर कोई चीज माने आंख में अंधा, अगर मेरा 2 आंख है डेफिनेटली किसके 5 तो है नहीं। हाँ अगर कोई बोलेगा कि वो उसका 1 आंख से अंधा है, वो दोनों आंख से अंधा है बोल देने से प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, हम ब्लाइंड ही बोलेंगे। हाँ माने कभी नहीं बोलेंगे दे आर ब्लाइंड या ही इज ब्लाइंड इन और ऑफ इफ बोथ ऑफ हिज आइज, ये बोलने की जरूरत नहीं है। माने अंधा है माने दोनों आंख नहीं दिख रहा है, दैट्स इट। हाँ लेकिन जब प्रिपरेशन के पास चले जाते हैं हम तो जरा जरा डिजाइन करता है। हाँ ये इसको हमको समझना है, माने 1 आंख से अंधा बोल रहा है या लेफ्ट आई से बोल रहा है या राइट आई से बोल रहा है, ये भी ध्यान देना ना। और पहले इसको जाते हैं उसके बाद अलग को जाएंगे। हाँ तो हम यहाँ ध्यान देते हैं, ऑफ अगर है तो वन ऑफ द आइज, हाँ माने दोनों आंख से कोई 1 आंख में अंधा है, तो हम यहाँ वो आप लगाएंगे, पूरा दिमाग में प्रिंट करना, मैं ये लिख दे रहा हूँ आपको क्लियर हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। तो ब्लाइंड ऑफ, ब्लाइंड इन, ब्लाइंड टू। हाँ ये जो मैप हम बनना है, मानचित्र जो बनना है, जरा मिटा दे रहा हूँ मैं, इंडिविजुअली ब्लाइंड ऑफ कहाँ पे यूज करेंगे, ब्लाइंड टू, ब्लाइंड इन यूज करते हैं। हाँ लिख देता हूँ पहले, तो क्या होगा ये दिमाग में प्रिंट करेंगे ना तो हेल्प करेगा, है ना। जस्ट है ना, तो पहले हो जाएगा हमारा ब्लाइंड ऑफ, कब यूज करेंगे ब्लाइंड ऑफ यूज करेंगे, वन ऑफ द टू आइज, वन ऑफ द टू आइज, ये समझ में आया? माने दोनों आंखों से 1 आंख अगर अंध खराब हो, देख नहीं पाता हो, तो वही के सबसे हम बोलेंगे ही इज ब्लाइंड डैश वन ऑफ हिज आइज, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाँ समझ में आया? बस तो ऑफ को हम क्लियर कर दिए, अब हम चलेंगे ब्लाइंड इन। ब्लाइंड इन कहां पे यूज करेंगे, ये भी जो आप लिखा हो इसको भी आप कैपिटल कर दीजिए, क्योंकि हाईलाइट भी आपको भी सुविधा होगा समझने के लिए, समझने तो हम कुछ भी लिखा समझ पाएंगे, लेकिन हाईलाइट होना चाहिए।
दिखते ही पता चले कि ये है, हाँ यही। तो क्या होगा, ब्लाइंड आप, हाँ वन ऑफ द टू आईज ब्लाइंड इन, हाँ डेफिनेटली ब्लाइंड अगर है तो यहां पे जैसे वन ऑफ द टू है बोले लेफ्ट और राइट आई, ध्यान देना यहां पे क्या, यहां भी वही केस है लेकिन यहां पे पर्टिकुलराइज किया गया है, माने वो उसके दाएं आंख से अंधा है या बाएं आंख से अंधा है या वो दोनों आंख से अंधा है बोलने से प्रिपरेशन की जरूरत ही नहीं है, ध्यान देना। तो लेफ्ट और राइट है, समझ में आया। अगर वो हम बोलेंगे सी इज ब्लाइंड डैश इज राइट आए, सी इज ब्लाइंड डैश आर राइट आए, सी इज ब्लाइंड डैश वन ऑफ इज आए या वन ऑफ आर आए, समझ में आ रहा है। सी आर ही आर आर को जरा ध्यान देना, बहुत गलत हो जाता है यहाँ पे, है ना। तो कुछ डाउट, ओके बस। और एक है क्या, ब्लाइंड टू, हाँ हर बार ध्यान देना यहाँ पे बहुत सारा कमेंट आ जाता है ब्लाइंड टू। हाँ हम हमारे गलती का अंधा है, माने हम हमारे गलती को दिख ही नहीं पाते, जो दिख नहीं पाते वही अंधा है ना। तो मैं मेरा खुद का गलती का अंधा हूँ, मैं मेरा गलती को मैं दिख नहीं पाता हूँ, जो दिख नहीं पाता वो अंधा है ना, वो उसके प्यार में अंधा है। लव इज ब्लाइंड बोलते हैं कि नहीं, यहाँ क्या है ब्लाइंड, डेफिनेटली लव इज ब्लाइंड में एक फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है, ये जब फिगर ऑफ स्पीच का डिस्कस करेंगे डेफिनेटली करेंगे, श्योर मैं जो आप जो जो बोलते हैं करते हैं ना, हाँ लेकिन वही हिसाब से करते हैं जो आपके लिए हेल्प करे, ऐसा नहीं कि यहाँ वहाँ कर आज प्रीपोजिशन काल प्रोनाउन काल एडजेक्टिव, ये ठीक नहीं है। हाँ ये हो सकता है कुछ दिन के लिए हम स्टॉप करके और के टॉपिक स्टार्ट करें अगर एग्जाम के डिमांड के हिसाब से, लेकिन डिसिप्लिन वे में करने से क्या है कि अच्छा लगेगा। हाँ आप नोट बना रहे हो, आप प्रीपोजिशन लिखोगे फिर बीच में एडजेक्टिव आ जाएगा फिर प्रोनाउन, अच्छा लगता है क्या, हाँ वही। तो ये कब टू का भी करेंगे, हाँ अगर हम हमारे गलती से अंधे हैं माने गलती को दिख नहीं पा रहे हैं और हमारे फीलिंग्स को लेके अगर हम ब्लाइंड है दैट इज टू ना, तो क्या लिखेंगे, हाँ मम्मी अपने बच्चों की गलती को गलती ऊपर अंधे हैं या उसके प्यार में अंधी है, तो ये सब चीज जो यूज करते हैं दैट इज ब्लाइंड। हाँ यहाँ पे ध्यान देते हैं ब्लाइंड को, समझ ना ब्लाइंड टू, तो हाँ अनेबल टू एडमिट इज फॉल्ट्स, हाँ तो मैं यहां पे लिख देता हूं अनेबल टू एडमिट वन्स फॉल्ट, हम हमारा खुद का गलती को दिख नहीं पाना दैट इज ब्लाइंड, दिख नहीं पाना का मतलब तो अंधा है लेकिन ये आंखों का अंधा नहीं, आंख होते हुए भी अंधा, ये हो गया, हाँ ये इमोशनली ब्लैकमेल, ये जरा ध्यान देना क्लियर। तो हाँ बिल्कुल समझ रहा हूँ आपका, बहुत सारा एग्जाम्पल आ रहा है लव इज ब्लाइंड क्या है सार, है ना, हम हमारे प्यार में अंधा है माने कुछ दिख नहीं पा रहे क्या हो रहा है, माँ बच्चे के प्यार से अंधा है माने पढ़ वो पढ़ रहा है नहीं लिख रहा है कुछ नहीं मतलब ही नहीं है, समझ में, इसको बन के ब्लाइंड है ना, हाँ वही तो, जैसे ब्लाइंड ऑफ ब्लाइंड इन ब्लाइंड टू। अगर तुमको डाउट है तो बोलिए डिस्कस करेंगे और हमारा टाइम भी चला जा रहा है 20 मिनट हो गया, हाँ 28, तो इसको डिस्कस करके हम जरा निकलेंगे पहले, हाँ ठीक है पढ़ लीजिए, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हो गया तो ये सेंटेंस बनाते हैं, ये आज जो जो पढ़ना है एक बार पढ़ लेना, डाउट होगा उसके ऊपर फिर कल फिर डिस्कस करें नेक्स्ट क्लास में। हाँ तो ब्लाइंड टू ब्लाइंड इन ब्लाइंड ऑफ दोनों से एक, ब्लाइंड इन राइट और लेफ्ट अगर वो अपने गलती से अंधा है तो ये बोलेगा ब्लाइंड टू, क्लियर। तो यस क्या होगा, वन मिनट मेंट, यस कैसे हो गया, आई सॉ एन ओल्ड मैन हु इच, हाँ मैं माने बुजुर्ग आदमी को दिखा वो अंधे हैं, हाँ
अंधे थे भी बोल सकते हैं, लेकिन अंधे हैं भी बोल सकते हैं, दिखे क्योंकि अंधे हैं, वो आज भी हैं। हाँ, तो आई सॉ एन ओल्ड मैन हु इज वर्मेट। हाँ, सेंटेंस बनाएंगे ना क्रेडिट का, बहुत अच्छा रहेगा। हु इज ब्लाइंड डैश इज लेफ्ट आई, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड हो गया देयर इज ए बॉय हु इज ब्लाइंड डैश वन ऑफ द आईज, या वन ऑफ द आईज भी लिख सकते हैं। हाँ, इसमें ये कर सकते हैं दैट वुमन वन, जैसे लिख देते हैं गुड इज ब्लाइंड डैश आर्यंस लव। हाँ, ये क्या, हाँ ध्यान देना, ये बहुत इंपोर्टेंट है। गुड इज ब्लाइंड डैश आर्यन लव, हाँ ये क्या है, वो आर्य के प्यार में पागल है, माने वो उसका अफेक्शन करता है। इसका मतलब ये नहीं जो आप सोच रहे हैं, अलग है ये। हाँ, लव का बहुत सारा अलग अलग डिफिनेशन होता है, मम्मी बेटा का, हाँ पापा पप्पा का, हाँ भाई बहन का, सभी तो लव है ना। हाँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ध्यान देना, डिवाइन बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, आई सॉ एन ओल्ड मैन हु इज ब्लाइंड डैश इज लेफ्ट आई, देयर इज ए बॉय हु इज ब्लाइंड डैश वन ऑफ द आईज, गुड इज ब्लाइंड डैश आज ऑफ लव। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को हम अच्छे से सॉल्व भी कर सकते हैं, हमारा टाइम वो निकल रहा है 32, कर सकते हैं आराम से। क्या होगा, आई सॉ एन ओल्ड मैन हु इज ब्लाइंड डैश इज लेफ्ट आई, शाबाश, ये हो गया लेफ्ट और राइट बोल दिया, इन क्लियर, तो ध्यान देना देयर इज ए बॉय हु इज ब्लाइंड डैश वन ऑफ द आईज, ये क्यों इन हुआ समझे, ये क्या हो जाएगा ऑफ, है ना, बिल्कुल। गुड इज ब्लाइंड डैश आज जान लव, गुड आज जान के प्रेम में पागल है, वो अफेक्शन में पागल है ना, तो क्या होगा, ये अंधा है, पागल तो अंधा को माने ये कन्फ्यूज करते हैं कि नहीं, बिल्कुल, तो माने हाँ। और ये जो लव का बताया, ये हम जैसे सोच लीजिए आई डोंट फाइंड माय फॉल्ट्स, तो आई एम ब्लाइंड टू माय फॉल्ट भी बोल सकते हैं, याद है, क्लियर, ये कैपिटल हो गया ना, ये ध्यान देना, हाँ बुरा समझेंगे, क्लियर, तो कहां पे ब्लाइंड ऑफ हो रहा है, कहां पे ब्लाइंड इन और कहां पे ब्लाइंड टू, ओके एक बार पढ़ लेना, डाउट होगा उसके ऊपर हम फिर डिस्कस करेंगे। क्लास ये है स्टूडेंट, पढ़ के एग्जाम अच्छे से दे, ऐसे जॉब पा जाए, ओके देन, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।